हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं रकीबुन आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 2 का हिंदी का पाठ 3, जादू की छड़ी। माधोपुर गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी। बच्चे खेलना चाहते थे पर कहाँ खेलते, कोई स्थान नहीं था। स्कूल जाने का रास्ता भी कीचड़ से भरा था। एक दिन बच्चे मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा कि यदि यह गंदगी दूर हो जाए तो कितना अच्छा हो। मैं परी से कहूँगा कि रात में आकर जादू की छड़ी से हमारे गांव को साफ़ सुथरा और सुंदर बना दे, सचिन ने कहा। यह सुनकर सभी बच्चे हंस पड़े। सानिया बोली, कहीं परिया भी गांव की सफाई करती है, हमें ही कुछ करना चाहिए। सबने मिलकर काम करने की एक योजना बनाई। दूसरे दिन प्रातः है, बच्चों ने गांव की फेरी निकाली। उनके हाथों में तख्तियां और कुदाले थी। उन्होंने नारे लगाए, हमारा गांव कैसा हो, साफ भी हो, सुंदर भी, सड़कें गलियां और मकान बाहर से भी अंदर भी। इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुँचे। उन्होंने फावड़ों से कीचड़ हटाना शुरू किया। छोटी छोटी कुदालों से नाली बना दी। रुका हुआ पानी नाली में चला गया। तब तक गांव के बहुत से लोग आ गए। बच्चों का काम देखकर वे सभी सफाई में लग गए। खेल के मैदान को भी साफ सुथरा कर दिया। गड्ढों में मिट्टी भरकर उन्हें भर दिया गया। ग्राम प्रधान जी ने कहा, बच्चों आपने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, आप सब आराम से अच्छी प्रकार पढ़ना और खूब खेलना। अब हम इसके शब्द बोध देखते हैं। जादू, बिना किए सब कुछ होना। योजना, विचार। फेरी निकालना, समूह में गली कुच्चों में घूमना। समतल, बराबर, कीचड़, बेकार चीज़, धूल मिट्टी का गीला रूप। ग्राम प्रधान, गांव का मुखिया। पाठ में बड़ी ई तथा बड़ा ऊ की मात्रा वाले जो शब्द आए हैं उन्हें लिखिए। पहले हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। फर्स्ट कीचड़, सेकंड धरती, थर्ड तितली, फोर्थ मछली, नेक्स्ट गर्मी, नेक्स्ट दही, नदी, परी। अब हम बड़ी उ वाले शब्द देखते हैं। स्कूल, फूल, झूला, चूहा, दूध, धूप, जूता, सूरज। अब हम इसमें देखते हैं इन वर्ड के आखिरी में या जोड़कर हम नए शब्द बनाएंगे। परी,
परिया, झड़ी, झड़िया, तख्ती, तख्तिया, कली, कलिया, नाली, नालिया, गली, गलिया। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। क, गांव के बच्चे दुखी क्यों थे? गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी, जिसकी वजह से बच्चे खेल भी नहीं पाते थे और उनके स्कूल जाने के रास्ते में भी पानी भरा हुआ था, इसलिए बच्चे दुखी थे। बच्चों ने क्या योजना बनाई? बच्चों ने साथ में मिलकर गांव को साफ करने की योजना बनाई। ग, ग्राम प्रधान ने बच्चों से क्या कहा? ग्राम प्रधान ने बच्चों से कहा, बच्चों, आपने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, आप सब आराम से अच्छी प्रकार से पढ़ना और खूब खेलना। यदि आपके गांव या कॉलोनी में ऐसी परेशानी आए तो आप क्या करेंगे? यदि हमारे गांव या कॉलोनी में ऐसी परेशानी आएगी तो हम सभी के साथ मिलकर सभी के सहयोग से वहां की मरम्मत करवाएंगे, जैसा कि इस पाठ में बच्चों ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव को साफ़ सुथरा बनाया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।